दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल अशोका सिविल IAS एकेडमी पे। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच आए हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को और हल करते हैं। देखते हैं, शुरुआत करते हैं नए प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में विधायिका द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है? प्रश्न है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्र सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, जिसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, विकल्प देखते हैं। 1961 अधिनियम, 1917 अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1915 का अधिनियम। आप लोग इसका उत्तर दीजिए और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सविस्तार बताते हैं। चलिए देखते हैं हम। पहला ऑप्शन 1961 का अधिनियम। देखिए कैसे करते हैं प्रश्नों को। 1961 का अधिनियम आप देखते हैं, मैंने कहा कि क्राउन की जो शुरुआत होती है, जो क्राउन शासन का आरंभ होता है, वह भारत सरकार अधिनियम 1958 से लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक है। तो इसकी तो महत्ता ही नहीं रह जाती, इसका कोई मतलब ही नहीं। तो यानी यह प्रश्न जो होगा क्या होगा, यहाँ से हम इस उत्तर को क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे, बाहर कर देंगे। 1961 यानी यह स्वतंत्रता के प्राप्त के बाद का है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1917। क्या हमने 1917 के बारे में बात की है? 1917 के बारे में कैसे कोई अधिनियम आया? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1909 के बाद जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ जिसमें भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना का बोध हुआ, और उसके 10 सालों बाद, लगभग 10 सालों बाद 1919 का अधिनियम आता है जिसे हम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, उसके बीच में कोई ऐसा अधिनियम नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एलिमिनेट हो गया, 1917 का भी अधिनियम बाहर हो गया। बचे कितने? 1919 और 1915। तो क्या 1915 की बात हमने की थी? जो अंतिम अधिनियम था हमने देखा 1892 का, क्या था? 1892 का अधिनियम था। तो यह अधिनियम भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बचा क्या, क्या बचा आप में, क्या बचा आपको? 1919 का अधिनियम। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा कि 1919 अधिनियम के माध्यम से, यानी मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के सुधार के माध्यम से भारत में जो है केंद्र में जो विधायिका थी वह उसमें क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। कैसी व्यवस्था की शुरुआत हुई? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसका अवशेष, यानी या किस अधिनियम के माध्यम से भारत में राष्ट्रपति को क्या मिलता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अवशेष मिलता है, शेष मात्र मिलता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919, जिसको हमने आपको बताया मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम क्या 1935। दूसरा, तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935। क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के माध्यम से क्या होता है, उसका अवशेष देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप लोगों से प्रश्न है कि आज के वर्तमान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है? आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए अगला प्रश्न हम तब तक देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को उनके प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी संभव बनाई गई, मतलब कि किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारतीयों को प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बनाया गया, उनकी हिस्सेदारी संभव हो पाई। आइए इसका विकल्प देखते हैं, क्या क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है चार्टर अधिनियम 1833, दूसरा विकल्प है चार्टर अधिनियम 1853, तीसरा अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1858,
और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यहाँ पे आप लोग इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम एक छोटी सी बात आप लोग को बता देना चाहते हैं इस विषय में जो काफ़ी बच्चों ने पूछा। यहाँ पे 1861 भारत परिषद अधिनियम की बात है, तो देखते हैं कि परिषद जो है कब आई, कब अस्तित्व में आई, 1861 में। आप देखते हैं कि 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया, जो हम देखते हैं क्राउन के द्वारा पहला 1858 में आया, तो वहाँ पे भारत का जो गवर्नर जनरल होता था वो अब वायसराय होने लगा था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यहाँ पे एक राज्य सचिव की नियुक्ति होती है, राज्य सचिव होता है और उसकी मदद हेतु एक परिषद का निर्माण होता है और उसी परिषद को देखते हैं आप भारतीय परिषद को, अब तक जो कार्यकारी रूप में काम कर रही थी उसको विधायी शक्तियाँ भी इसी 1861 के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि वह कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से भारतीय परिषद को क्या बनाया गया, एक वैधानिक संस्था के रूप में निर्माण किया गया या वैधानिक संस्था के रूप में मान्यता दी गई। तो आपका उत्तर होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से भारतीय परिषद को वैधानिक संस्था के रूप में क्या मिल गया, अधिकार मिल गया और यह भारतीय परिषद अब कार्यकारी के साथ साथ विधायी शक्तियां भी इसको प्राप्त हो गई। कैसी विधायी शक्तियाँ, भारत में रह रहे ब्रिटिशर्स के लिए, भारत के प्रजा के लिए और इनके लिए क्या अब यह कानून भी बना सकते थे, इसलिए इसका अस्तित्व भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर दीजिए आप लोग, तक हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चों ने इसका उत्तर सही दे रहे हैं। देखते हैं कि यह मैंने पूछा था कि किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को उनके प्रशासन में कुछ हिस्सा देने की बात की गई थी, तो वह किस में हुई थी, पहले मैंने कहा कि चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से भारतीयों को उनके प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी संभव की गई। कैसे हुई यह प्रश्न होना चाहिए आपका, कैसे हुई सर, क्योंकि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मनोनीत सदस्य हो रहे थे वह हटा के क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया था कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कर दिया गया था, तो इससे यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं यह क्या बनाया गया था, प्रशासन में कुछ हिस्सा क्या किया, हिस्सेदारी भारतीय लोगों के लिए भी संभव की गई, क्योंकि वह मनोनयन समाप्त हो चुका था। वह सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, कैसे होगी, मैंने बताया था कि अब वह कैसे होगी, चुनाव के माध्यम से न होकर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती और कहीं ना कहीं अनुबंधन के रूप में यहाँ पे शुरुआत होती, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, चार्टर अधिनियम 1833। कौन सा अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित। देखिए पहली जब क्लास हम ले रहे थे तभी आपको हमने बताया कि जो भारतीय संविधान की रूप है, जो वर्तमान भारतीय संविधान है उसकी जो रूपरेखा है वह विभिन्न स्रोतों से लिख के बनाया गया, विभिन्न स्रोत हैं, कोई एक दिन की उपज नहीं थी। मैंने कहा आपसे कि कोई क्रांति की उपज नहीं थी, यह क्या थी, यह क्रमिक विकास इसका हुआ और वह देखते तमाम स्रोतों से बनाई गई। और मैंने कहा जो सबसे गहरा प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय संविधान के विकास क्रम के, किस अधिनियम का गहरा प्रभाव आज के वर्तमान के संविधान पर देखने को मिलता है, तो मैंने बताया 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया उसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे वर्तमान संविधान में देखने को मिलता है। उसी की बात कर रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्त का विवरण निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। क्या क्या है विकल्प देखते हैं, पहला विकल्प कहता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, दूसरा कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, तीसरा कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका उत्तर दीजिए आप लोग, मैंने शुरू में ही आपको इसका हिंट दे दिया था, बिंदु दे दिया था जिसपे आप सोचे, तो इसका उत्तर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1947।
35 पहले ही हमने आपसे कहा कि इसका गहरा प्रभाव हमारे वर्तमान संविधान पे देखने को मिलता है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से जो आया था उसका आधार हम वर्तमान संविधान में भी देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है कैसा संबंध होगा। इस सब की चर्चाएं 1935 में भी की गई थी, सुधार के साथ भारत सरकार अधिनियम में की गई थी, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात यह योजना किस पे आधारित है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से यह सुलभ किया गया या संपन्न किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में संघीय प्रणाली एवं केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना द्वैत शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। चलिए, कह रहा है कि संघीय प्रणाली, आपको याद होगा कि हमने बताया कि जो संघीय न्यायालय का निर्माण किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है, 1935 के माध्यम से होता है। कब होता है संघीय न्यायालय, 1937 में दिल्ली में स्थापित होता है। आप देखते हैं तो संघीय एक संघ के रूप में जो राज्यों को, जो भारत को एक संघ के रूप में कब स्वीकार किया गया किस अधिनियम के माध्यम से, तो आप देखते हैं 1935 के माध्यम से। तो यहाँ से एक छोटा सा हिंट आपको मिल जाता है कि संघीय प्रणाली यानी जब संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, एक संघ की बात कर रहा है, तो 1935 से आई और केंद्र में देखेंगे द्वैत शासन की भी शुरुआत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इसको कि 1935 का अधिनियम था। इसका उत्तर क्या होगा, 1935, बहुत आसान है, तो इसलिए इसको 1935 इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के माध्यम से आया, कब शामिल किया गया। इसका भी उत्तर देखिए, हमने आपको बता दिया कि भारत में अखिल महासंघ की बात की गई थी, संघीय बात की गई थी, तो यह भी किससे संबंधित होगा, इसको भी आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका उत्तर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखने की ज़रूरत है, समझने की। अब हम प्रश्नों को, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रश्न के अर्थ क्या हैं उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी प्रश्न को करने से पहले। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक इतिहास, किसकी बात कर रहा है, संवैधानिक इतिहास, क्या हम पढ़ रहे हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास ही पढ़ रहे हैं, में एक महत्वपूर्ण और अस्थाई घटक नहीं है। कह रहा कि वो महत्वपूर्ण नहीं था, ना अस्थाई घटक था, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अपनाया गया है। क्या प्रावधान नहीं थे 1935 में, यह कह रहा है कि भारतीय संवैधानिक के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अस्थायी घटक नहीं था जो 1935 में अपनाया गया था। 1935 में बात यह है समझने की, तो क्या नहीं था, देश के लिए एक लिखित संविधान होगा ऐसा नहीं था, निर्वाचित प्रतिनिधि विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्या यह प्रावधान नहीं थे, या फेडरेशन की एक योजना की परिकल्पना करना नहीं था, या विधानमंडल में आधिकारिक सदस्यों का नामांकन के संबंधित नहीं था, क्या नहीं था, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, इसके बाद इसको हम समझाते हैं आपको। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कहीं भी 1935 में देश के लिए एक लिखित संविधान होगा इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। 1935 में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई थी, ऐसे किसी भी प्रावधान की सहमति नहीं देता है कौन, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की क्या विशेषता नहीं थी। प्रश्नों देखिए, यहाँ पे बात क्या कर रहा है, देखिएगा यह बात बहुत गौर करिएगा, यह गौर करने बात है प्रश्नों में कि विशेषता नहीं थी। हम क्या कर देते हैं, क्या गलती करके आते थे कि विशेषता थी और हम जल्दी से वो करके चले आते हैं और क्या हो जाता है, हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किसी प्रश्न को आप दो बार पढ़िए और आप देखेंगे तो यह उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य भी एक तरीके से कहा जा सकता है भारत सरकार का,
तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देखने को मिलता है कि इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। तो आप एक बार इस प्रश्न को पढ़ें, एक बार इंग्लिश वर्जन को भी देखें। ऐसी कभी काल स्थिति होती है कि यहाँ पे शब्दों को गलत लिख दिया जाता है, लेकिन वो इंग्लिश वर्जन में देखते हैं तो सही होता है। तो इसलिए मैंने दोनों वर्जन रखा है कि ताकि अगर ऐसी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है तो आप उस परीक्षा हाल में स्थिति से जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए बिल्कुल क्या हों, तैयार हों। दूसरी चीज़ देखते हैं क्या कहता है, इसके ऑप्शन क्या है। अधिनियम एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करता है, करता है कि नहीं करता है हमने पिछले प्रश्न में बताया, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल करता है, यानी यह क्या है, सही है। सही है, सही मतलब इसके लिए ऑप्शन सही नहीं है, यह विशेषता है। अब पूछ क्या रहा है कि विशेषता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि विशेषता है, तो ये विशेषता है। दूसरा कहता है अविशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडल को आवंटित किया गया था, जी नहीं, या ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं था जो अविशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय विधानमंडलों के लिए क्या किया गया था, आवंटित किया गया था, तो यह नहीं है। लेकिन आगे अब यहाँ रुकना नहीं है, हमको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत के चिन्हित क्या, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं प्रांतों को इसमें क्या मिलती है, स्वायत्तता मिलती है, यह सत्य कहता है। यह पहली बार कब आप देखते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से देखने को मिला। दूसरा प्रश्न, दूसरा हम देखते हैं, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, जी बिल्कुल सही बात है, द्वैत शासन की शुरुआत 1919 में होती है प्रांतों में, परंतु 1935 के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाता है, एवं यह द्वैत शासन कहाँ स्थम कर दिया जाता है, कहाँ स्थम कर दिया जाता है, केंद्र में शुरू कर दिया जाता है, केंद्र की विधायिका में, केंद्र की कार्यपालिका में यह स्थान दिया जाता है। अब हम आपको थोड़ा सा रोकते हैं, द्वैत शासन क्या होता है, द्वैत शासन शब्द का सिद्धांत, द्वैत साधन का सिद्धांत किसने दिया, यह भी प्रश्न बनता है। तो द्वैत शासन का सिद्धांत सर्वप्रथम लियोन कार्टिस ने दिया था, किसने दिया था, लियोन कार्टिस ने सर्वप्रथम द्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया दिया था। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या यह सही है, जी हाँ यह सही है, यह स्टेटमेंट फॉलो करता है, यह प्रावधान थे। तो अब हमें क्या करना है, यह देखना कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा फॉलोअप नहीं करता है। तो आप देखते हैं कि पहला उसको अनुसरण फॉलो, उसको अनुसरित करता है, दूसरा उसको फॉलो करता है, तीसरा उसको फॉलो करता है, सॉरी दूसरा क्या करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, अर्थात इसका कौन सा उत्तर सही होगा, बी कि अवशिष्ट विषयों को प्रांतीय विधानमंडलों के लिए आवंटित नहीं किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बर्मा को भारत से अलग करने का कारण बना। अब देखिए कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जो पहली बार भारत में क्या हो गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बहुत कम लोग यह विषय जानते हैं, बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारत से बर्मा, पहली बार जो भारत का विभाजन आप देख रहे हैं वह किसके रूप में देख रहे हैं, वर्मा के। लेकिन अधिकतर लोग भारत के विभाजन को केवल भारत व पाकिस्तान के रूप में ही जानते हैं, क्या जानते हैं, भारत व पाकिस्तान के रूप में ही समझते हैं, जिसका लोग तमाम अपवाद हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग की देन थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ, कुछ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तमाम ऐसी विचारधाराएं हैं, तमाम इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं। लेकिन सच में अगर देखा जाए, जो मेरा मत है, जो मेरा सिद्धांत कहता है, वह यह कहता है कि देश के बंटवारे की योजना अगर कहीं थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की क्या थी, ब्रिटिशरों की ही नींव थी, ब्रिटिशों के द्वारा ही दी गई थी। इसके लिए ना मुस्लिम लीग जिम्मेदार था, ना कांग्रेस जिम्मेदार थी। सच में अगर इसकी जिम्मेदारी अगर तय की जाती है तो वह कौन था, ब्रिटिशर्स थे। क्योंकि जो पहला बंटवारा आप देखते हैं बर्मा को भारत से अलग करने के लिए, ना मुस्लिम लीग थी, ना कांग्रेस थी। यह स्पष्ट करता है कि यह नीति अंग्रेजों की थी, अंग्रेज भारत को खंड खंड करना चाहते थे, खंडित करना चाहते थे। यह केवल अंग्रेजों की देन है, ना मुस्लिम लीग की देन है, ना कांग्रेस की देन है। आइए देखते हैं इसके चार विकल्प क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत को
आज़ादी मिलती है, न कि किसी और प्रकार की, तो इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। 1947 में प्रावधान किया गया था कि जब तक भारतीय संविधान लागू नहीं हो जाता पूर्ण रूप से, तब तक भारतीय परिषद अधिनियम 1935 के माध्यम से शासन चलता रहेगा, संसद जो सरकार है, सरकार का गठन है, उसके माध्यम से चलता रहेगा, यह निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। लेकिन इसके माध्यम से क्या किया गया था, यह प्रमुख था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगातार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में यह प्रश्न बनता है और इसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है, या दोहराव की स्थिति में यह प्रश्न आपको बार बार राज्य लोक सेवा विधान राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो यानी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल रट डालिए। और इसका क्या उत्तर होगा, भारत का उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की और कक्षाओं में फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे मिलेंगे। हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपने हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।